तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। कीनिया और पुर्तगाल की सह मेजबानी में 5 दिन का संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 27 जून से शुरू हुआ। विश्व के 130 से अधिक देशों के नेता सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस दौरान मुख्य रूप से महासागर, समुद्र और समुद्र संसाधनों के संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन उन्होंने विभिन्न देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। महासागर सम्मेलन ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रहा है जब विश्व के समक्ष सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए नवाचारी और पर्यावरण अनुकूल समाधान तथा संरचनागत बदलावों की चुनौतियां हैं। सतत विकास लक्ष्य महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और विवेकशील उपायों पर बल देता है। साझा भविष्य के लिए स्वस्थ सागर। पहला यूएन महासागर सम्मेलन 5 वर्ष पहले 2017 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था, जहां प्रतिनिधियों ने महासागर के स्वास्थ्य में आई गिरावट को दूर करने पर चर्चा की थी। यूएन प्रमुख ने कहा कि उसके बाद से अब तक कुछ प्रगति दर्ज की गई है और महासागरों का दम घोटने वाले वैश्विक प्लास्टिक कचरा संकट से मुकाबले के लिए नई संधियों पर बातचीत जारी है। साथ ही टिकाऊ विकास के लिए महासागर विज्ञान के यूएन दशक 2021 से 2030 के तहत विज्ञान आधारित उपाय आगे बढ़ाए जा रहे हैं। समुद्रों की रक्षा के लिए 4 अहम अनुशंसाएं। समुद्र की रक्षा के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरस ने अपनी 4 महत्वपूर्ण सिफारिशें साझा की हैं। नंबर 1, सतत महासागर अर्थव्यवस्थाओं में निवेश। यूएन प्रमुख ने हितधारकों से दीर्घकालीन वित्त पोषण के जरिए भोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और आजीविका के लिए सतत महासागर अर्थव्यवस्थाओं में निवेश की पुकार लगाई है। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि अभी 17 टिकाऊ विकास लक्ष्यों में 14वें लक्ष्य को सबसे कम समर्थन प्राप्त हुआ है, जो कि टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण व सतत उपयोग पर आधारित है। नंबर 2, महासागरों की सफलता को दोहराना। यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने कहा कि वैश्विक साझा संसाधनों के प्रबंधन के विषय में जन कल्याण के लिए महासागरों को एक मानक के रूप में स्थापित करना होगा। इसका अर्थ है भूमि और समुद्र आर्थिक स्रोतों दोनों से सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और उसमें कमी लाना। इसके लिए क्षेत्र आधारित कारगर संरक्षण उपायों व एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन का दायरा व स्तर बढ़ाना होगा। नंबर 3, लोगों की रक्षा। यूएन प्रमुख ने महासागरों और अपने जीवन व आजीविका के लिए उन पर निर्भर लोगों का और अधिक संरक्षण किए जाने की पुकार लगाई है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और जलवायु सहन सक्षम तटीय ढांचे में निवेश किए जाना अहम होगा। नवाचार, अधिक विज्ञान व नवाचार। यूएन प्रमुख ने निजी सेक्टर में महासागर शोध व टिकाऊ प्रबंधन के लिए साझेदारियों में शामिल होने का आह्वान किया और महासागरों के स्वास्थ्य में बेहतरी लाने के लिए देशों की सरकारों से महत्वाकांक्षा का स्तर बढ़ाने का आग्रह किया है।